दशा माता की व्रत कथा छठी कथा। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनको कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देता ही नहीं, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा हो उस इच्छा से गंडे लिए जाए तो वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार ब्याही है या दूसरी तीसरी बार? ग्वाला ने कहा कि पहली बार। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना। 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए, मनोती मनाई कि हमारे संतानी पैदा होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देकर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगे। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिने न्योतने की मनोती की थी उनको न्योता देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिन स्त्रियों को न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिने नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भवरे पड़ेगी उसी दिन सुहागिने न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिने न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिने न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिने न्योती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिने नहीं न्योती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा रानी बीच मंडप से हरकर ले गई। दूल्हे को एकदम गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में
एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाया। फिर भिश्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथास्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सर आए, साज सामान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई थी। उसने दो कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का एक कटोरा दूध अलग रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा रानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सबेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबाजी भोजन करने बैठे तब लड़की ने तीन पत्तले परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबाजी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने अपने सामने रखी। यह देखकर बाबा जी ने अपने आप कहा कि वाह, जो बात वहां देखने में आई थी वही बात यहां भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई, फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु है तो मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले और लड़की उसके पीछे पीछे चली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिश्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर जो ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूंगी। तब वह बोला कि मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि हे भगवती, यह सब क्या भेद है?
जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह इसकी अधव्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो जो और भी नई बातें सुनने में आई तो उसने किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे वही बात कही, तब वह बाहर आया और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा, तब तो उसकी प्रसन्नता का पार ना रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहां सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधु दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिने न्योती। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी वह कथा के श्रोता वक्ता आदि सभी का कल्याण करें।